मैं उससे उतनी नफरत नहीं करती हूँ हफीज, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ मेरे भाई। और मैं गजल को अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम पे कोई ऐसा घिनौना इल्जाम लगा देगी और तुम्हें बदनाम कर देगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। गजल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर हम उसके जितने गिर नहीं सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उसे ना या तो जेल में होना चाहिए, नहीं तो पागलखाने में होना चाहिए। नहीं अम्मी, उसे उसके गुनाह की सजा की पहली किश्त मिल चुकी है, जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। कीड़े पड़ेंगे उसे, कभी खुश नहीं रहेगी वो। पहले मुझे मौत के बिस्तर पे पहुंचा दिया था और अब हमीदा के पीछे पड़ी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा दादी अम्मी, वैसे वैसे उसे इस नाजायज निकाह के तोहफे मिलते रहेंगे। उसे नए नए घाव तब तक मिलते रहेंगे जब तक हमारा घर उससे पाक नहीं हो जाता। गजल इंसान नहीं, भेड़िया है, और जख्मी भेड़िया और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दुआ वो कुछ भी कर सकती है। तुम उसकी हद तक नहीं गिर सकती, पर वो तो किसी भी हद तक गिर सकती है ना। मैं जानती हूँ मैं, हैदर और मेरे रिश्ते पर वो पहले ही वार कर चुकी है। अब बची कुछ ही कसर भी पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। हैदर, हैदर मेरा गुनाह क्या है? यही कि मैंने तुमसे निकाह किया। मुझे यहाँ पर मोहब्बत की आस देकर लाया गया था, लेकिन मुझे नफरत और धुतकार के सिवा और क्या मिल रहा है हैदर? दुआ चाहती क्या है हैदर? उसने मेरा जीना आराम कर दिया है, मुझे सांस तक लेने नहीं देती है। वो इतने तमाशे क्यों कर रही है हैदर? हैदर, हैदर आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत दिन से शोरूम बंद था। क्या? मैंने कहा बहुत दिन से शोरूम बंद था और बहुत काम पड़ा है। दिमाग पे इतना दबाव है कि बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ा, चुप हो जाओ। लेकिन हैदर, मैंने कहा चुप हो जाओ। घर के मसले घर में ही हल होंगे। हैदर, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ। दुआ की आंसू पोंछने के लिए तो तुम्हारे पास बराबर वक्त रहता है ना हैदर, कि मेरे दुख सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना। दुआ, तुम्हें अपने हैदर पे बहुत फक्र है ना? तुम हैदर को अपनी हिम्मत समझती हो ना? अब देखना मैं कैसे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ दूंगी। हैदर के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। ये होकर ही रहेगा और उसकी शुरुआत आज ही होगी। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।